हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं रवि कुमार शर्मा आरके फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए, बहुत समय से हम सोच रहे थे कि मनोविज्ञान की क्लासें हम यूट्यूब पे डालें और बहुत लोगों की डिमांड भी थी, तो आज से हम मनोविज्ञान की जो क्लासें हैं, सबसे पहले हम एक रीड का कोर्स लेंगे और रीड के कोर्स में यूनिट वाइज टॉपिक वाइज हम मनोविज्ञान की लगातार क्लासें दिन प्रतिदिन एक क्लास हम मनोविज्ञान की यूट्यूब पे डालते रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मनोविज्ञान जो है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत, सरल और व्यापक सब्जेक्ट है। व्यापक इसलिए भी क्योंकि जीवन के सभी अंगों से हमारा ये जो मनोविज्ञान है ये सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, अगर इसे महसूस किया जाए तो। और सरल तो ये है ही है। अच्छा, अनुमान मनोविज्ञान के ऊपर ये आरोप लगता है कि मनोविज्ञान की जो भाषा है वो काफ़ी ज़्यादा क्लिष्ट है, काफ़ी ज़्यादा कठिन है, टफ है, लेकिन अनुमान ऐसा है नहीं। मेरा ये मानना है कि मनोविज्ञान को अगर यदि सही नज़रिए से समझा जाए तो ये मनोविज्ञान काफ़ी सरल सब्जेक्ट है, क्योंकि मन का विज्ञान है। चूँकि मनोविज्ञान के मानक विद्वानों जो थे, जिन्होंने बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी, मनोविज्ञान को हमारे सामने पेश किया समाज के सामने, तो चूंकि मनोविज्ञान के जो मानक विद्वान थे वो अपनी बौद्धिक और भाषाई अक्षमता के कारण इसकी सरल रूप से व्याख्या नहीं कर पाए, तो हमारे सामने ये क्लिष्ट सब्जेक्ट के रूप में इसे पेश किया गया और इसीलिए हमें यह मनोविज्ञान टफ भी लगता है। दूसरी बात, एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि हमने जो एकेडमिक ईयर जो हमारा था, हमने यानी जो स्टडी की है स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, तो शायद हमारा ये मनोविज्ञान सब्जेक्ट नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही हम आगे कंपटीशन में जुड़े, टीचिंग वैकेंसियों में जुड़े, तो उसमें हमारे सामने मनोविज्ञान का जो सब्जेक्ट है वो एक कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट के रूप में उभर के आया। तो चूँकि हमारा एकेडमिक बेस मजबूत नहीं था, इसलिए ये तो लाजमी है कि हमें ये सब्जेक्ट तो थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हम इस सब्जेक्ट तो आराम से और आसानी से इसकी व्याख्या करके एक एक शब्द को हम इसको समझ के और आगे से आगे जो हमारी क्लासें हैं उसको यूट्यूब पर डालते रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मनोविज्ञान के बारे में, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। चूँकि हमारे सामने जो भी करंट में देखा जाए तो रीट का वैकेंसी आने वाली है और बहुत जल्द रीट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस नज़रिए से, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग हमारी मेहनत और हमारे जो वीडियो है, हमारी कक्षाएँ जो है, उसकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी और किस तरह से रणनीति आपको अपनानी है ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है वो गेट कर पाए। तो देखिए, सबसे पहले हम रणनीति के बारे में कंसल्ट करते हैं कि हमारी रणनीति क्या रहेगी। तो हमारी जो रणनीति है वो हमारी रणनीति ये रहेगी कि अगर यदि हम स्टडी करें तो सबसे पहले देखा जाए तो मनोविज्ञान के बारे में यदि हम स्टडी करेंगे तो मनोविज्ञान एक सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है, चूंकि जैसे 30 नंबर के इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, 30 नंबर का इससे क्वेश्चन आता है हमारा और 30 नंबर के क्वेश्चन हमें सोल्व करने रहते हैं। तो आप ये देखिए कि बहुत सारे लोग होते हैं जो मनोविज्ञान पहली बार पढ़ते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं जो मनोविज्ञान कई बार कहीं टीचरों से और कहीं बुकों से पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ कॉमन होती है जो आपने कभी नोटिस की है। ऐसा बंदा जिसने कभी मनोविज्ञान पढ़ी तक नहीं, अगर वो भी एग्जाम के अंदर बैठेगा तो भी वो 10 नंबर से कम तो नंबर नहीं लाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें जो मन से बताने होते हैं, जिनमें थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही जाता है, हमारा जो नॉलेज होता है, हमारा जो बिलीफ होता है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत आइडिया तो हमें लग ही जाता है। तो हम स्टडी करते हैं, यदि अगर 30 नंबर का हमारा कोई एग्ज़ाम है, साइकोलॉजी 30 नंबर की अगर यदि रीट में आती है तो उसमें से 10 नंबर तो मिनिमम कोई भी ला सकता है। अब अगर यदि हम चर्चा करें तो ऐसा स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत सारी कोचिंगें की हैं, बहुत सारे टीचर्स से वो पढ़े, बहुत अच्छी सी उन्होंने मेहनत किया, हार्डवर्क किया, तो वो भी आगे जाके कम से कम 28 नंबर, 30 नंबर तो एग्जैक्ट टीचर के भी नहीं आते। और आप जानते हैं लास्ट ईयर बहुत बड़ी बड़ी फैकल्टियाँ जो थी उनके आंसर की गलत हो गई थी, बहुत बड़ी बड़ी फैकल्टियाँ जिन्होंने मार्केट में उनका नाम है, उनकी किताबें छपती हैं, उनके पब्लिकेशन है, बड़ी बड़ी कोचिंगों से बड़ा बड़ा पेमेंट लेते हैं, उनके भी 30 में से 30 नंबर उनके आंसर की में नहीं आए थे। राजस्थान की जो सबसे बड़ी ब्रांड है जिसे कहा जाता है, उसके खुद के 23 नंबर आए थे रीट की आंसर की में, जो उसने जारी की थी उसमें खुद के उसके 23 नंबर आए थे। तो हम बात कर रहे हैं यदि स्टूडेंट अगर कितनी भी मेहनत कर ले तो भी वो 28 नंबर तक ही जा पाएगा, 13 मार्क्स तक गेन करना बहुत रेयर केस में होता है। तो हमारा जो सफ़र है, हमारा सफ़र ये 10 मार्क्स से लेकर 28 मार्क्स तक का सफ़र है कि यहाँ तक हमें पहुँचना है। अच्छा, एक्चुअली इसमें होता क्या है, ये जो 2 मार्क्स कटते हमारे कभी कभी वहाँ डिलीट हो जाते हैं
जहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं जुड़ जाती है सिलेबस में, जो अब तक ना तो किसी के द्वारा पढ़ाई गई ना तो किसी के द्वारा पढ़ी गई। तो दो ही क्वेश्चन तो ऐसे आ जाते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान चूंकि एक व्यापक सब्जेक्ट है, हम केवल 11-12 बेसिस की मनोविज्ञान जो है, रीट बेसिस की जो मनोविज्ञान है उसी का स्टडी करते हैं। लेकिन मनोविज्ञान ग्रेजुएशन के अंदर भी होती है, मनोविज्ञान पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर भी होती है, और बहुत सारी मानक पुस्तकें इसके ऊपर छपी हुई हैं। तो वहाँ से कोई क्वेश्चन ऐसा गेटअप कर दिया जाता है जहाँ से, जहाँ तक हमारी पहुँच जो है, वो जो बुकें हैं, वो जो क्वेश्चन है, उनके जो आंसर है, वहाँ तक हमारी पहुँच जो है वो सुलभ नहीं हो पाती। तो हमारा जो सफ़र है वो 10 से लेकर 28-30 नंबर तक का जो हमारा सफ़र है, इस सफ़र को हम किस तरह से तय करेंगे, तो हमारी जो रणनीति है वो है सफ़र। तो अब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो सबसे बड़ा पॉइंट है ये है कि हमें मनोविज्ञान को कैसे पढ़ना है। तो चूंकि देखिए, मनोविज्ञान पढ़ने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि मनोविज्ञान के अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती है, मनोविज्ञान के अंदर बहुत सारी पुस्तकें रहती हैं। तो सबसे पहले आपको केवल एक पुस्तक पढ़नी है। आपको तय करना है कि किस बुक का कंटेंट आपको अच्छा लगता है। देखिए, पुस्तकें कोई भी गलत नहीं होती, कोई भी हो सकता है उसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो, लेकिन जब तक लेखक लिखने की कोशिश करता है तो उस पुस्तक के अंदर कोई कमी नहीं रहती है। तो पुस्तक कोई भी ख़राब नहीं होती है, चाहे वो आप राय ले लीजिए, चाहे आप लक्ष्य ले लीजिए, चाहे आप फर्स्ट रैंक ले लीजिए, चाहे आप प्रभात क्लासेज ले लो, नाथ पब्लिकेशन ले लो, सिखवाल ले लो, आप चाहे धीर सिंह दाभाई जी की ले लो, तो कोई भी बुक ले लो, आप कोई भी बुक को, आपको एक बुक सेलेक्ट करनी है और उसी बुक से आपको क्या करना है, केवल उसी बुक को बार बार पढ़ना है। आपको ज़्यादा बुकें नहीं पढ़नी है, ज़्यादा बुकें पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको जो ग्रहण किया गया ज्ञान है उस पर संशय पैदा हो। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको केवल एक ही पुस्तक लानी है और उसी पुस्तक को आपको क्या करना है, बार बार रीड करनी है। आप उसी पुस्तक को बार बार रीड करनी है। साथ ही हमारे वीडियो देखने के बाद या हमारे चैनल से जुड़ने के बाद, जिस तरह के मनोविज्ञान मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, उसके बाद आपको किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हो सकता है आपने मनोविज्ञान कई बार पढ़ी है, हो सकता है आपने मनोविज्ञान कई बार कई शिक्षकों से, कई किताबों से पढ़ी है, लेकिन यदि आप ये चाहते हैं कि आप अंतिम बार मनोविज्ञान पढ़ें और आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आइए फिर हमारे चैनल पे और हमारे वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं। एक एक टॉपिक आपका कंसल्ट करके आप क्लियर कर सकते हैं। तो दूसरी स्ट्रेटजी, पहला जो स्ट्रेटजी हमारी पुस्तक वाली रही है, कई लेवल आपको एक ही बुक खरीदनी है, साथ में आपको जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको हटना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से मार्केट में बहुत सारे ऐप्स आ रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज जो आपको दिए जा रहे हैं, हो सकता है उनमें काफ़ी 6-7 फैकल्टी आपको पढ़ाती है। राजस्थान में बहुत सारी बड़ी बड़ी फैकल्टी है मनोविज्ञान की, वो सब आपको मनोविज्ञान पढ़ाती है, लेकिन उसमें कमी रहती है। जो कंटेंट 15 मिनट का कंटेंट है, जो कंटेंट 15 मिनट का कंटेंट है, उस कंटेंट को बढ़ा चढ़ा के 1 घंटे के अंदर पेश किया जाता है। तो ये जो आपका 45 मिनट का समय बर्बाद हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ और जो मैं आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन आवश्यकता है, समय की नज़ाकत है, इसलिए मुझे आपको ये चीज़ बतानी पड़ रही है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की एक कमी तो ये है कि 15 मिनट का कंटेंट जो है वो 1 घंटे तक बढ़ा के दिया जाता है। उसमें आपके 45 मिनट का तो लॉस लॉस हुआ, साथ में जो आपका डाटा जो है वो लॉस हुआ, और आपका जो समय है वो समय बहुत अमूल्य है। उस समय को आप यहाँ पे 45-15 मिनट के कंटेंट को, समय को आप यदि 1 घंटे खींचेंगे, तो इस तरह से आपका साइकोलॉजी का सिलेबस तो दूर, आपका बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको आप कब पढ़ पाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें यह रहती है, हालांकि बताना नहीं चाहिए लेकिन बता देता हूँ, क्योंकि बड़ी कोचिंगों से मैं अपना ताल्लुक भी रखता हूँ, तो इसलिए मैं आपको बताना थोड़ा उचित समझता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास फैकल्टी होती है, चाहे कितनी भी बड़ी फैकल्टी हो, बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, बड़ी बड़ी फैकल्टियाँ हैं, बड़ा बड़ा पैसा लेती है, अगर आप इस चीज़ का आंकलन, यदि आप ये चाहे कि आपको क्वालिटी चाहिए और आप इस क्वालिटी का आंकलन यदि इस चीज़ से करते हैं कि कितनी बड़ी कोचिंग है, उसका टर्न ओवर कितना है, और वहाँ पे फैकल्टी जो आ रही है वो कितनी बड़ी है, और वो अपना कितना पेमेंट उठा रही है, यदि आप क्वालिटी का आंकलन इस चीज़ से करते हैं, तो फिर आपका ये जो आंकलन की दृष्टि है ये काफ़ी गलत है। क्योंकि इसमें होता क्या है, क्योंकि कोई भी बड़ी फैकल्टी है, अगर उस बड़ी फैकल्टी के पास 100% कंटेंट है, आप मानेंगे इस चीज़ को, क्योंकि बड़ी फैकल्टी अगर यदि उसके पास 100% कंटेंट, आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए आंसर आपको वो दे देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे हमारे पास कोई भी एक टॉपिक है, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा का 100% जो कंटेंट है वो किसी एक बड़ी फैकल्टी के पास है, और वो बड़ी फैकल्टी कहीं पढ़ा रही है, तो जब वो 100% जो कंटेंट उसके पास है, तो वो क्लास के अंदर केवल 50 और 60% कंटेंट ही देंगे,
आपको पूरा 100% कंटेंट नहीं देंगे, 100% कंटेंट देंगे तो आपका सिलेक्शन ही हो जाएगा। और यदि वो 100% कंटेंट आपको देंगे तो फिर उसको दोबारा कोई नहीं बुलाएगा उस फैकल्टी को, क्योंकि वो अपना 100% दे के जा चुका है। तो वो 50 और 60% कंटेंट ही दे पाते, हालांकि समय की अपनी एक सीमा होती है। 1 घंटे की क्लास के अंदर व्यापक ज्ञान प्रदान नहीं किया जा सकता, इस बात से भी हम इनकार नहीं करते। लेकिन कोई भी फैकल्टी आप देखना, जैसे कोई भी एक टॉपिक ले लेना, उस टॉपिक की कुछ ना कुछ बातें वो छोड़ ही देंगे। वो या तो आप पे छोड़ देंगे कि आप पढ़ लेना, अपनी बुकों से पढ़ लेना। तो भैया अगर जब हम बुकों से पढ़ लेते हैं, हम खुद पढ़ लेते हैं, तो हम आपसे क्यों जुड़े। तो कोई भी फैकल्टी अपना 100% कंटेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या किसी भी क्लास में कोई भी फैकल्टी अपना 100% कंटेंट नहीं देती है। अगर आप बच्चे जो 40% है उसमें से कोई क्वेश्चन पुटअप करें, वो आपको बता देंगे, लेकिन आपको पूरा नॉलेज वो नहीं दे पाएंगे। और ना ही वो दे पाएंगे, ना ही वो दे सकते हो, ना ही वो देना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो देना चाहते हैं तो अगली बार उनको कोई नहीं बुलाएगा, क्योंकि वो अपना 100% देके जा चुके हैं। तो ये चीज़ें रहती है कुछ चीज़ें, तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ी हमने स्टडी करनी है। नेक्स्ट हमारी जो थर्ड स्ट्रेटजी रहेगी रणनीति का, हमारा तीसरा बिंदु जो रहेगा वो रहेगा, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाए उतनी चीज़ें आपके लिए अच्छा है। क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आप मान लीजिए आपने कोई एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन आप देखिए, उस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। और सोल्व करने के बाद आपको अगर ये लगता है कि इस जगह मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उस चीज़ को अपने नोट्स के अंदर शामिल करिए, उसको बार बार पढ़िए, उसको समझिए, किसी अध्यापक से पूछिए, तो उससे आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। अगर हो सकता है आप पूरी तरह से पूरा सिलेबस एक बार पढ़ ले, फिर आपने क्वेश्चन सोल्व नहीं किए, प्रैक्टिस नहीं की, और बाद में जब आप एग्जाम के अंदर गए डायरेक्ट, तब आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह से। तो सबसे पहले आपको लास्ट ईयर के जितने भी पेपर्स हैं मार्केट में अवेलेबल है, जहाँ कहीं से भी आपको जिस बुक से भी आपको जितने सारे क्वेश्चन मिलते हैं, सारे क्वेश्चन आपको एक कलेक्ट करके, और फिर सारे टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज उस जो क्वेश्चन है हमारे, उस क्वेश्चन को अगर यदि आप सोल्व करेंगे, तो आपको आपकी प्रॉब्लम क्या है वो उस प्रॉब्लम का आपको पता चलेगा, उस प्रॉब्लम का आपको निदान कर पाएंगे। और निदान के बाद आप किसी भी अध्यापक की सहायता से, पुस्तक की सहायता से उस क्वेश्चंस के बारे में उपचार कर पाएंगे। ये दो टॉपिक थे हमारे, निदानात्मक और उपचारात्मक, ये हमारे मनोविज्ञान से जुड़े हुए टॉपिक हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी समस्या के बारे में निदान करना है, फिर उसका उपचार करना है। तो तीन चार चीज़ें हैं ये मेस्टली मोस्टली जो हमारी रणनीति है, स्ट्रेटजी जो है, उसके बारे आपके आपको उसके बारे में कंसल्ट करना है। सबसे पहले एक ही पुस्तक है, आपको ज़्यादा पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, केवल एक ही पुस्तक पढ़िए और उसी को बार बार पढ़िए, तो इससे आपका समय भी बचेगा। जो चीज़ें हैं वो आपको स्थायी, एक जो आपका ज्ञान होता है जो अवचेतन मन में है, जो अचेतन मन में है, वो आपके चेतन मन में आने की कोशिश होगी। नेक्स्ट, जितने भी आप सारे ऑनलाइन वीडियो देखते हो उसकी कमियां मैं आपको बता चुका हूँ। और थर्ड जो है, आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। बस मेरा आपसे केवल इतना ही कहना था, जो ये हमारी स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी ऐसे ही चलेगी। और आज के बाद अभी इसी के साथ हम एक मनोविज्ञान के वीडियो डालने वाले हैं, और मनोविज्ञान की लगातार रोज की एक कक्षा है, और टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज, उसमें आपको ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जितना कंटेंट अपने से हो सकता है उतना कंटेंट हम देने की कोशिश करेंगे। तो अब हम चालू करते हैं हमारे मनोविज्ञान के बारे में, हमारे सब्जेक्ट के बारे में। तो आज थोड़ी बहुत हम स्टडी करते हैं, फिर हम लगातार हम रोज दैनिक एक एक कक्षाएं जो हैं वो हम यूट्यूब पे डालते रहेंगे। चलिए दोस्तों, आज से हम मनोविज्ञान की क्लासें चालू करते हैं। तो आज सबसे पहले जो हमारी क्लास है मनोविज्ञान के बारे में, वो ये है कि मनोविज्ञान का सामान्य परिचय क्या है, यानी मनोविज्ञान कहाँ से आई, मनोविज्ञान को किस तरह से आगे बढ़ाया गया, मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, मनोविज्ञान शब्द किसने दिया, तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि जिस एजुकेशन के अंतर्गत, जिस शिक्षा के अंतर्गत हम मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं, तो वो शिक्षा कैसी है, शिक्षा क्या होती है, शिक्षा शब्द क्या होता है, शिक्षा कहाँ से बना है, तो इन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है हम लेंगे शिक्षा। शिक्षा तो देखिए, शिक्षा कहाँ से बना, तो शिक्षा जो शब्द है, शिक्षा शब्द की यदि व्याख्या की जाए, तो ये संस्कृत जो भाषा है, सबसे प्राचीन कहा जाता है संस्कृत भाषा को, तो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से मिलकर बना, शिक्ष जो धातु होती है उससे मिलकर शिक्षा शब्द बना है। और इसका अर्थ होता है सीखना, और इसका अर्थ क्या होता है, सीखना, ठीक है। तो शिक्षा जो होती है वो संस्कृत भाषा के सिक्स धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है सीखना। यदि हम इंग्लिश की बात करें, तो अंग्रेजी जो रूपांतरण होता है, अंग्रेजी रूपांतरण, तो अंग्रेजी जो रूपांतरण है शिक्षा का, उसमें उस शिक्षा को कहा जाता है एजुकेशन।
एजुकेशन। अच्छा ये देखिए, जो एजुकेशन होती है उस एजुकेशन का अर्थ होता है, तो सबसे पहले एजुकेशन आई कहाँ से, तो आप देखिए जो अंग्रेजी भाषा के जितने भी सारे वर्ड होते हैं, चलिए जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारी जो सबसे प्राचीन भाषा है भारत के अंदर वो है संस्कृत। फिर संस्कृत भाषा जो है वो उसका और धीरे धीरे वो विकास होता गया, तो फिर आपने देखा होगा हिंदी सब्जेक्ट के अंदर आपने पढ़ा होगा भाषा का विकास क्रम, तो उसमें आपने देखा सबसे प्राचीन जो भाषा है वो हमारे पास सामने जो है वो कौन सी है, संस्कृत भाषा है। फिर इससे धीरे धीरे पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, ये जो सारी भाषाओं का विकास होता गया। फिर विकास होने के बाद जो हमारे पास विकास होने के बाद जो हमारे पास जो भाषा आई वो अभी हमारे पास हिंदी है। यानी हिंदी के जितने भी शब्द हैं वो सारे शब्द संस्कृत भाषा से उठाए गए हैं, संस्कृत भाषा की धातुओं से मिलकर बने हुए हैं। इसी तरह से जो अंग्रेजी जो भाषा है जिसे हम इंग्लिश कहते हैं, अंग्रेजी जो भाषा है उस भाषा की जो डिक्शनरी, क्योंकि हिंदी की जो डिक्शनरी है वो संस्कृत से उठाई गई है, संस्कृत के शब्दों से मिलकर हिंदी बनती है, तो अंग्रेजी भाषा की जो डिक्शनरी है वो कहलाती है लेटिन भाषा। यानी जो लेटिन भाषा है उस लेटिन भाषा के जितने भी सारे वर्ड जो होते हैं, शब्द जो होते हैं, उनसे मिलकर अंग्रेजी भाषा बनी हुई है। तो यदि अगर हम हिंदी के अंदर किसी चीज़ की व्याख्या करेंगे किसी शब्द की, तो हिंदी का जो वो शब्द है वो हमारे पास कहाँ से आया, संस्कृत भाषा से। और यदि हम अंग्रेजी भाषा की बात करेंगे तो उसका शब्द हमारे पास कहाँ से आया, लेटिन भाषा से। तो लेटिन एक पूरी तरह से हमारे पास डिक्शनरी है जिसके शब्दों से अंग्रेजी भाषा बनी हुई है। तो अगर हम स्टडी करते हैं कि जो शिक्षा का जो इंग्लिश रूपांतरण होता है, शिक्षा का जो हमारे पास अंग्रेजी रूपांतरण है उसको हम कहते हैं एजुकेशन। और एजुकेशन शब्द जो है वो लेटिन भाषा के एजुशियर शब्द से बना हुआ है। एजुकेयर भी कह सकते हैं, एजुशियर भी कह सकते हैं, एजुशियर, ठीक है। इनका अर्थ होता है नेतृत्व देना या बाहर लाना, नेतृत्व देना या बाहर लाना। यानी अगर हम कह सकते हैं कि शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है, अगर शिक्षा के व्यापक अर्थ के बारे में यदि संस्कृत से व्याख्या की जाए, तो शिक्ष धातु से बना है, और सीखना यानी जो जो कोई भी चीज़ हम सीखते हैं हमारे दैनिक जीवन में वो है, वही हमारी शिक्षा कहलाती है। चाहे शिक्षा औपचारिक भी हो सकती है, चाहे अनौपचारिक भी। अच्छा, औपचारिक शिक्षा वो होती है, उसके बारे में चलिए हम आगे स्टडी कर लेंगे, सबसे पहले ये इसका अर्थ देखते हैं। तो शिक्षा का यदि अंग्रेजी रूपांतरण देखा जाए, तो शिक्षा जो है अंग्रेजी रूपांतरण एजुकेशन से बनी है, जो लेटिन भाषा के एजुकेयर या एजुशियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नेतृत्व देना या बाहर लाना, ठीक है। यानी हमारी जो जन्मजात शक्तियां हैं, हमारी जो जन्मजात योग्यता है, उन योग्यताओं को नेतृत्व देना और उन योग्यताओं को बाहर लाना। देखिए वास्तव में शिक्षा का व्यापक अर्थ यही है कि हमारे अंदर जो जन्मजात योग्यता है, अगर यदि उन योग्यताओं को बाहर लाया जाए, उनकी पहचान की जाए और उन्हें परिष्कृत या परिमार्जित किया जाए, तो वही वह हमारी शिक्षा का जो है वो व्यापक अर्थ है, और शिक्षा यही काम करती है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं, शिक्षा के बारे में हमने स्टडी कर ली। अब शिक्षा कितने प्रकार की होती है, तो शिक्षा दो प्रकार की होती है। एक तो होती है औपचारिक, एक होती है अनौपचारिक। इसको हम ये भी कह सकते हैं फॉर्मल एजुकेशन या इनफॉर्मल एजुकेशन। तो देखिए औपचारिक शिक्षा वो होती है जो हमें विद्यालय में मिलती। औपचारिकता का मतलब ये होता है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी का मतलब ये है कि जिस तरह से हमने विद्यालय में, तो एक निश्चित हमारे पास एक पाठ्यक्रम होता है, उस पाठ्यक्रम का हमें अध्ययन करना होता है, वो केवल हमारे स्तर में सुधार करता है। हम 9th क्लास में हैं तो 10th क्लास में जा सकते हैं पास होके, हम यदि 6th क्लास में हैं तो 7th क्लास में प्राप्त पास होके जा सकते हैं। तो केवल एक पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाया जाता है, उसके अलावा हमें जो कोई भी शिक्षा है वो नहीं दी जाती, तो वो औपचारिक शिक्षा कहलाती है जो हमें। और औपचारिक शिक्षा का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है विद्यालय, और अनौपचारिक जो शिक्षा है वह हम परिवार से, समाज से, परिवार वो समाज वो समुदाय से लेते हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जिसमें आपको जिस तरह से आपका नैतिक जो विकास होता है, यानी आपके जो नैतिकता किससे संबंधित जो बातें, आपके संस्कार जो होते हैं, वो सभी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, जो हमें परिवार से वो समाज से मिलते हैं। तो ये हमारे पास शिक्षा के दो रूप थे, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। अब यदि हम स्टडी करते हैं, तो जिस तरह से हमारे पास विद्यालय है, तो विद्यालय को इंग्लिश में स्कूल कहा जाता है, ठीक है। विद्यालय को इंग्लिश में क्या,
तो देखिए, स्कूल जो शब्द है, स्कूल शब्द लैटिन भाषा के स्कोला शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है अवकाश। यदि आपसे पूछा जाए कि स्कूल शब्द कौन सी भाषा का है, तो लैटिन भाषा का है। कौन से शब्द से बना है? स्कोला। और उसका अर्थ क्या होता है? अवकाश। तो अभी तक हमने केवल शिक्षा के बारे में स्टडी की, अब शिक्षा के तत्वों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, शिक्षा के तत्व क्या होते हैं, यानी शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो सामान्य सी बात है, जनरली आप सभी जानते हैं कि शिक्षा के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले तो एक शिक्षा देने वाला होता है और एक शिक्षा लेने वाला होता है, यानी एक तो विद्यार्थी होता है और एक शिक्षक होता है। साथ में वो क्या शिक्षा दे रहा है, वो भी उसका कहीं ना कहीं एक अंग होता है। तो यदि हम स्टडी करते हैं कि शिक्षा के तत्वों के बारे में, कि शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कैसी होती है, तो शिक्षा की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तत्व कौन कौन से होते हैं, यदि तत्व के बारे में हम स्टडी करें, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास दो साइंटिस्ट आते हैं। और दोनों जो साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट जो है प्रकृतिवादी कवि है, प्रकृतिवादी दार्शनिक है, जो बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट है, और दूसरा उसका सहयोगी है। उन दोनों की जो अवधारणा थी वो दोनों सेम थी। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं जॉन डीवी और रायबर्न। ये दो दार्शनिक हमारे सामने हैं, और इन दो दार्शनिकों का ये कहना है कि शिक्षा की प्रक्रिया के अंदर तीन तत्व होते हैं। कितने तत्व होते? तीन तत्व। और जब तीन तत्व होते हैं तो इसको त्रिमुखी प्रक्रिया कहा गया है। कौन कौन से तत्व होते हैं? तो देखिए, शिक्षा की प्रक्रिया में कौन कौन से, तो सामान्यतः आप सभी जानते हैं, एक तो शिक्षा देने वाला होगा यानी शिक्षक, एक शिक्षा लेने वाला होगा यानी शिक्षार्थी, और क्या शिक्षा दी जा रही है यानी पाठ्यक्रम, हम कह सकते हैं पाठ्यक्रम, पुस्तक कह सकते हैं। तो ये इसके शिक्षा प्रक्रिया के तीन तत्व बताए थे। किसने? जॉन डीवी और रॉयबर्न ने। तो रॉयबर्न ने इन शिक्षा के जो तीन तत्व बताए थे, वो तत्व थे हमारा, एक तो था शिक्षक, एक था शिक्षार्थी, और एक है हमारा पाठ्यक्रम। तो ये तीन चीजें हमारे पास है, शिक्षा के तीन तत्व। और शिक्षा को अगर पूछा जाए कि शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा, तो जॉन डीवी ने कहा, रायबर्न ने कहा, और इन दोनों ने ये बताया कि शिक्षा के तीन तत्व होते हैं, शिक्षा की प्रक्रिया के, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। यदि हम दूसरे साइंटिस्ट की बात करें, दूसरे दार्शनिक की हम यदि बात करें, तो उन्होंने शिक्षा की प्रक्रिया को द्विमुखी बताया, और उनका नाम है जॉन एडम्स। जॉन एडम्स जो महोदय थे, उन्होंने शिक्षा की प्रक्रिया को द्विमुखी बताया। द्विमुखी का मतलब होता है दो तत्व बताए। अब दो तत्व कौन से थे? केवल उन्होंने दो ही तत्व बताए, एक तो शिक्षा देने वाला और एक शिक्षा लेने वाला। तो ये दोनों के बीच में माइनर थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इन चीज़ों को आपको स्टडी करनी पड़ेगी कि शिक्षक और शिक्षार्थी। तो शिक्षा की प्रक्रिया जो है उसमें दो तत्व होते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा जाए कि शिक्षा की प्रक्रिया को द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा है, तो जॉन एडम्स ने कहा। त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा? तो जॉन डीवी ने कहा। तो ये हमारे पास शिक्षा से संबंधित थोड़ा सा एक विश्लेषण हमने किया है। हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन हम जब शुरुआत कर रहे हैं तो हम शुरुआत बिल्कुल जड़ से लेके चलेंगे। सबसे पहले हम शिक्षा से लेके चलेंगे, फिर हम दर्शन शास्त्र को लेंगे, फिर हम मनोविज्ञान को लेंगे, फिर हम शिक्षा मनोविज्ञान को, और फिर बाल मनोविज्ञान को हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने स्टडी कर ली शिक्षा के बारे में, शिक्षा शब्द कैसे बना हुआ है, अंग्रेजी रूपांतरण क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या होता है, साथ में स्कोला शब्द भी हमने लिया था, और शिक्षा की प्रक्रिया के अंदर कितने तत्व होते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, तो देखिए दो प्रक्रिया होती है शिक्षा के अंदर, दो प्रक्रिया होती है। पहली प्रक्रिया ये कि यदि शिक्षण प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है? शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया का मतलब यह होता है कि अध्यापक शिक्षा दे रहा है। एक होती है अधिगम प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया वो होती है जिसमें अध्यापक पढ़ाता है, यानी अध्यापक जो पढ़ा रहा है वो शिक्षण कहलाता है, और विद्यार्थी जो सीख रहा है उस प्रक्रिया को अधिगम प्रक्रिया कहते हैं। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। एक बात ध्यान रखिएगा आप कि अधिगम को क्या कहा जाता है? लर्निंग। इसकी हमारी एक पूरी एक यूनिट है, और अलर्निंग का अर्थ होता है सीखना, यानी अधिगम का मतलब क्या है? सीखना। तो ये इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो यानी अध्यापक जो पढ़ा रहा है वो क्या कर रहा है? वो शिक्षण कर रहा है, और विद्यार्थी जो पढ़ रहा है वो कौन सी प्रक्रिया से गुजर रहा है? अधिगम प्रक्रिया से। तो अब इन दोनों प्रक्रिया में अगर यदि देखा जाए कि मुख्य तत्व कौन सा है, हमारे पास जो चर होते हैं कौन कौन से चर हैं, तो यदि उनके बारे में स्टडी की जाए, तो सबसे पहले हमारे पास यदि हम बात करेंगे स्वतंत्र चर, एक होता है स्वतंत्र चर, एक होता है आश्रित चर।
एक होता है जिसको हम सहायक चर भी कह सकते हैं या हम उसको मध्यस्थ, यदि हम उसको मध्यस्थ चर भी कह सकते हैं, मध्यस्थ चर। यदि हम शिक्षण की प्रक्रिया की बात करें तो देखिए शिक्षण प्रक्रिया में क्या होता है, केवल अध्यापक ही पढ़ाता है तो उसमें स्वतंत्र चर कौन हो गया, अध्यापक। ठीक है, तो अध्यापक ही पढ़ाएगा तो वही अध्यापक क्या हो गया, शिक्षक जो है वो क्या हो गया, स्वतंत्र चर हो गया। ठीक है, अब अध्यापक जो पढ़ाएगा वही बच्चे को पढ़ना है तो अध्यापक के ऊपर कौन आश्रित है, शिक्षण की प्रक्रिया में अध्यापक के ऊपर कौन आश्रित है, तो विद्यार्थी। तो यहाँ पे हमारा आ गया विद्यार्थी। तो यदि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शिक्षण प्रक्रिया में आश्रित चर कौन है, तो शिक्षण प्रक्रिया में, क्योंकि शिक्षण का मतलब ये होता है शिक्षा दी जा रही है, यानी अध्यापक पढ़ा रहा है, तो अध्यापक जो पढ़ा रहा है वो तो मेन हो गया, फिर जो पढ़ रहे वो हमारे पास सेकेंडरी एलिमेंट हो गए। तो शिक्षण की प्रक्रिया में पूछा जाए कि आश्रित चर कौन सा है, तो विद्यार्थी, और स्वतंत्र चर कौन सा है, तो शिक्षक। और यदि पूछा जाए कि मध्यस्थ चर कौन है, तो मध्यस्थ चर हमारा क्या है, पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक हम ले सकते हैं, क्या अध्यापक पढ़ा रहा है, तो वो हम ले सकते हैं पाठ्यक्रम। इसी तरह से अधिगम प्रक्रिया के अंदर बात की जाए, अधिगम का मतलब ये होता है कि बालक सीख रहा है, यानी विद्यार्थी सीख रहे हैं, विद्यार्थी अधिगम कर रहे हैं, तो उस अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत जो स्वतंत्र चर है वो कौन हो जाएगा, फिर विद्यार्थी। और यदि आश्रित चर की पूछा जाए तो आश्रित चर कौन हो जाएगा, फिर हमारे पास आश्रित चर कौन है, क्योंकि अधिगम तो बच्चे कर रहे हैं, तो आश्रित कौन है, क्योंकि उनका मार्गदर्शन कौन कर रहा है, उनको नेतृत्व कौन कर रहा है, उन्हें बार बार निर्देशन कौन दे रहा है, तो वो शिक्षक दे रहा है। तो इसमें अधिगम प्रक्रिया में जो आश्रित चर है वो शिक्षक हो जाएगा, और पाठ्यक्रम जो है हमारा इसमें मध्यस्थ चर रहेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में आप स्टडी करना है। नॉर्मली क्वेश्चन इस प्रक्रिया से पूछे जाते हैं, द्विमुखी और त्रिमुखी प्रक्रिया, और ये बहुत इजी है, मनोविज्ञान बहुत इजी है। देखिए ये आपको पहले ऑलरेडी पता था, अगर बहुत सारे जो मनोविज्ञान पहली बार पढ़ रहे हो वो आप ये सोचिए कि इसमें मैंने कोई नई बात नहीं बताई है, सिर्फ कुछ तथ्य बताया है। आपको पता है कि शिक्षण की प्रक्रिया में कौन कौन से होंगे, शिक्षक होंगे, शिक्षार्थी होगा और पाठ्यक्रम होगा, ये ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये जॉन डीवी ने कहा है और इसे त्रिमुखी प्रक्रिया कहा गया। तो यही चीज़ हमें सीखनी है, बाकी नॉलेज ऑलरेडी आपके अंदर है, तो उसी को हमें बाहर लाना है, और यही शिक्षा का व्यापक अर्थ है। तो अब हम स्टडी करेंगे हमारे सब्जेक्ट के बारे में, जो सबसे खूबसूरत और सरल और व्यापक सब्जेक्ट है, मनोविज्ञान। तो आइए अब हम मनोविज्ञान के बारे में स्टडी करते हैं। चलिए देखिए, अब हम मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। चूंकि अब हम मनोविज्ञान का सामान्य परिचय लेने वाले हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मनोविज्ञान का सामान्य परिचय और बहुत मनोविज्ञान पढ़ रखी है, क्योंकि अब हम इस मनोविज्ञान के पूरे कोर्स को, यानी एक जड़ से लेकर एक पूरे कोर्स को, इसको हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाने वाले हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसके जड़ से लेकर हम इसकी शाखाएं और इसकी पत्तियों तक का जो पूरा ज्ञान है वो हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए हम एक बार तो पूरा विस्तृत और टॉपिक वाइज हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम मनोविज्ञान के सामान्य परिचय की बात करते हैं। तो मनोविज्ञान का जो सामान्य परिचय है, नॉर्मल जनरल इंट्रोडक्शंस, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो देखिए मनोविज्ञान, मनोविज्ञान जो है उसका इंग्लिश रूपांतरण होता है साइकोलॉजी। ठीक है, अब यदि आपसे हम इसको, चूंकि मैं खुद इसको साइकोलॉजी कहता हूँ, साइकोलॉजी, लेकिन यदि हम इसके स्टैंडर्ड प्रोनंसिएशन यानी इसके मानक उच्चारण की बात की जाए, तो मनोविज्ञान को साइकोलॉजी नहीं कहा जाता है इसके स्टैंडर्ड प्रोनंसिएशन मानक उच्चारण में, इसको कहा जाता है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी कहा जाता है। तो मनोविज्ञान का जो मानक उच्चारण है उसमें इसको साइकोलॉजी कहा जाता है, साइकोलॉजी कहा जाता है, साइकोलॉजी नहीं कहा जाता। तो इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना है। हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको फिर भी ये याद रखना है कि जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का मानक उच्चारण क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम मनोविज्ञान की बात करते हैं। तो मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है, मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वो दर्शन शास्त्र से मानी जाती है। और दर्शन शास्त्र क्या होता है, अब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो गणित है, चाहे वो विज्ञान है, चाहे सामाजिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, जितने भी सारे समाजशास्त्र हमारे सामने जो सब्जेक्ट हैं, वो सारे सब्जेक्ट, आप ये देखिए कोई भी चीज़ हमारे सामने कब आती है, कोई भी, जब जैसे मान लीजिए ये पेन हमारे सामने आया, दुनिया में जब ये पेन आया तो ये पेन क्यों आता है, किसी भी चीज़ की नई खोज क्यों होती है, और होती है तो कैसे होती है, किसी को आवश्यकता पड़ी
किसी एक बंदे को आवश्यकता पड़ी कि उसको अपनी गर्लफ्रेंड से बात करनी है और वो पास की गली में रहती है, तब उससे बात कैसे की जाए। तब उसने एक नई चीज़ सोची, उसने अपना चिंतन लगाया, उसने अपनी कल्पना की और उसने एक ऐसा उपकरण इंस्ट्रूमेंट बनाया जिस इंस्ट्रूमेंट का आज दुनिया में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। और जबकि वो उसने अपनी चिंतन और कल्पना का प्रतिफल था, उस व्यक्ति ने अपनी चिंतन और अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी आवश्यकता के लिए उस चीज़ की आविष्कार किया। और आप सभी जानते हैं टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, शायद ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार। उन्होंने केवल अपनी आवश्यकता के लिए किया था। तो उनको जब इस चीज़ की आवश्यकता लगी तो उन्होंने चिंतन किया, उन्होंने कल्पना की और फिर कल्पना करके यानी कुछ उन्होंने ऐसा सोचा जो हमारे सामने नहीं था। देखिए, एक दो चीज़ें होती है, एक होती अमूर्त और एक होती है मूर्त। अमूर्त का मतलब होता है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, और मूर्त का मतलब होता है हमारे सामने प्रत्यक्ष। अमूर्त और मूर्त, तो मूर्त का मतलब, अमूर्त का मतलब होता है प्रत्यक्ष और मूर्त का मतलब होता है प्रत्यक्ष, सॉरी, अमूर्त का मतलब अप्रत्यक्ष और मूर्त का मतलब होता है प्रत्यक्ष। यानी अमूर्त चीजें कौन सी होती है जो हमारे सामने नहीं होती है। जैसे हम क्या सोच रहे हैं तो ऑलरेडी हमारे सामने नहीं है, हम क्या कल्पना कर रहे हैं तो हमारे सामने नहीं है। अब हमने सोचा उसको, उसकी कल्पना की, अब हम उसको क्या करेंगे, मूर्त रूप देने की कोशिश करेंगे। यानी ये जो हमारा अप्रत्यक्ष जो चीज़ें हैं, अप्रत्यक्ष चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप दिया जाए। यानी एक जब हमारे सामने एक खाली प्लाट होता है, उस प्लाट को हम देखते हैं कि ये इतने हजार स्क्वायर फीट का है और उसके बाद हमें इस पे क्या बनाना है, तो एक बार तो हम अपने माइंड के अंदर सोचते हैं, फिर बाद में हम उसको क्या करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो यानी हमने उसको क्या कर दे दिया, अमूर्त को मूर्त रूप दे दिया, यानी अप्रत्यक्ष को हमने प्रत्यक्ष रूप दे दिया। यही हमारे पास दर्शन शास्त्र होती है। दर्शन शास्त्र क्या होती है, तर्क और चिंतन और कल्पना, तर्क चिंतन और कल्पना के माध्यम से यदि हम कोई नई खोज करते हैं तो वही दर्शन शास्त्र होती है। तो दर्शन का मतलब होता है एक पूरी फिलोसॉफी, और फिलोसॉफी का मतलब यह है कि जैसे हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। और बहुत सारे दार्शनिक, दर्शन शास्त्र से रिलेटेड जितने विद्वान होते हैं उन विद्वानों को दार्शनिक कहा जाता है। तो ऐसे दार्शनिकों ने अपने अपने विचार दिए और उनके विचार आगे जाके किसी एक विषय के रूप में स्थापित हुए। तो दुनिया के जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्टों को क्या की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, दर्शन शास्त्र से। कि बहुत सारे विद्वानों ने अपना कुछ एक अलग सोचा और अपना कुछ एक अमूर्त सोचा और उसको मूर्त रूप देने की कोशिश की गई। तो दर्शन शास्त्र यानी मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वो भी दर्शन शास्त्र से हुई है। और कैसे हुई है कि तर्क चिंतन और कल्पना से किसी नई चीज़ की खोज करना ही दर्शन कहलाता है। तो दर्शन शास्त्र की परिभाषा आप सभी जान गए, मैंने बोल दी है कि तर्क चिंतन और कल्पना या अमूर्त चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप देना, मूर्त रूप देना और नई खोज करना ही दर्शन कहलाता है। और मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वो दर्शन शास्त्र से हुई है। ठीक है, तो दर्शन शास्त्र से माना जाता है कि लोगों ने कुछ सोचा कि नई चीज़ों की आवश्यकता कब पड़ती है, नई चीज़ों का आविष्कार क्यों होता है, जब हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो मनोविज्ञान यानी मन के विज्ञान के बारे में भी कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए होंगे और वही कॉन्सेप्ट आगे चलकर एक विषय के रूप में स्थापित हुए और उसी तरह से मनोविज्ञान की स्थापना हुई। तो मनोविज्ञान कहाँ से, मनोविज्ञान की उत्पत्ति और वैसे तमाम सब्जेक्टों की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, दर्शन शास्त्र से। और दर्शन शास्त्र से जो जुड़े हुए दार्शनिक जो विद्वान होते हैं उनको दार्शनिक कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम तीन दार्शनिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारे दार्शनिक है प्लेटो, हम चर्चा करेंगे प्लेटो के बारे में। ठीक है, और प्लेटो के जो छात्र थे, स्टूडेंट जो थे, शिष्य थे, जो उनका नाम था अरस्तु। और अरस्तु के जो शिष्य थे उनका नाम था सुकरात। ये तीन साइंटिस्ट, ये तीन दार्शनिक जो फिलोसोफर थे वो दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं इन्हीं का योगदान रहा है मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में। इन्होंने ही अपने मन के अंदर एक कॉन्सेप्ट बनाया, एक संप्रत्यय बनाया। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है संप्रत्यय। तो एक संप्रत्यय बनाया कि मनोविज्ञान यानी मन की विज्ञान के बारे में भी हम ऐसा कुछ करें हैं। तो इसी से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। और उससे जुड़े हुए जो दार्शनिक थे वो तीन दार्शनिक थे, प्लेटो, अरस्तु और सुकरात। इन तीनों का क्रम ये है क्योंकि प्लेटो गुरु था, उनका शिष्य अरस्तु और अरस्तु का शिष्य जो था वो सुकरात था। अब यहाँ हम स्टडी करते हैं कि मनोविज्ञान का उद्भव जो है वो कहाँ से हुआ। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो है वो दर्शन शास्त्र से हुई और लगभग माना जाता है 14वीं सदी, चौथी सदी, चौथी सदी के आसपास मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। और एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था
एक विद्वान थे, उनका नाम था रायबर्न। अभी रायबर्न आया था हमारे थोड़ी देर पहले, कि रायबर्न ने शिक्षा की प्रक्रिया के तीन तत्व बताए थे, त्रिमुखी प्रक्रिया। तो रायबर्न वही साइंटिस्ट है, वही दार्शनिक है। रायबर्न ने ये कहा था कि मनोविज्ञान जो है वह अरस्तु के समय दर्शन शास्त्र से अलग हुई है। रायबर्न नाम के जो विद्वान थे उन्होंने ये कहा था, रायबर्न नाम के विद्वान ने ये कहा कि मनोविज्ञान जो है वह अरस्तु के समय दर्शन शास्त्र से चौथी सदी में अलग हुई है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि रायबर्न के अनुसार मनोविज्ञान जो है वह दर्शन शास्त्र से अरस्तु के समय चौथी जो सदी थी, चौथी सदी, उसमें अलग हुई है। तो ये चीज आपको याद रखना है, किसके अनुसार? रायबर्न के अनुसार। एक ये साइंटिस्ट आ गए। अच्छा, हम जितनी भी सारी बातें करेंगे वो सारी बातें ऑथेंटिक होगी, किसने कहा है उसको लेके हम साथ में चलेंगे, हम हमारी तरफ से कुछ नहीं जोड़ेंगे। तो रायबर्न ने ये कहा था कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से अरस्तु के समय चौथी सदी में हुई थी। तो ये हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान शब्द की। तो देखिए, ये जो मनोविज्ञान शब्द है, ये मनोविज्ञान शब्द कैसे बना और कब से आया? तो मनोविज्ञान जो शब्द था उसकी उत्पत्ति जो है वो 1590 में एक साइंटिस्ट थे, रुडोल्फ गोएकले। रुडोल्फ गोएकले नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने 1590 में मनोविज्ञान शब्द दिया। और ये शब्द कहाँ दिया? तो उनकी एक पुस्तक थी जिनका नाम था साइक्लोजिया। साइक्लोजिया क्या दिया उन्होंने? शब्द। तो देखिए, मनोविज्ञान जो शब्द है, मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम कब प्रयोग किया गया? सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, या मनोविज्ञान शब्द किसने दिया? तो यदि मनोविज्ञान शब्द के बारे में चर्चा की जाए तो मनोविज्ञान शब्द जो है वो 1590 में रुडोल्फ गोएकले नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने दिया। और उन्होंने, उनकी पुस्तक का जो नाम था वो क्या था? साइक्लोजिया। ये उनकी पुस्तक थी, उनकी पुस्तक का नाम था साइक्लोजिया। और उस पुस्तक के अंदर उन्होंने मनोविज्ञान शब्द की सर्वप्रथम चर्चा की। तो क्वेश्चन ये आ जाए कि मनोविज्ञान शब्द की सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो 1590 में रुडोल्फ गोएकले ने किया, जिनकी पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं अब साइकोलॉजी शब्द की। तो ये जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान वैसे नाम से स्पष्ट है, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाता है, लेकिन इसका जो इंग्लिश रूपांतरण है वो है साइकोलॉजी। हालांकि साइकोलॉजी होता है, लेकिन हमारे उच्चारण में यही आता है कि साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है दो शब्दों से। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यदि पूछी जाए तो इंग्लिश रूपांतरण साइकोलॉजी होता है, तो ये लैटिन भाषा से है। लैटिन भाषा की हमारे पास क्या है? लैटिन भाषा के शब्द से मिलकर बना है साइकोलॉजी। अच्छा, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि साइकोलॉजी शब्द कौन सी भाषा का है? तो लैटिन भाषा का है। और लैटिन भाषा का ही दो रूप है, जिस तरह से आपने देखा होगा संस्कृत का एक विकास क्रम चलता है, संस्कृत का विकास क्रम चलता है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, ऐसे फिर लास्ट में जाके हमारे पास हिंदी आती है। वो सही क्रम तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन इसी प्रकार से हमारे इसके अंदर भी एक विकास क्रम चलता है। तो हमारे पास जो सबसे मेन भाषा है वो है लैटिन भाषा, और फिर उसका विकास होता है तो वो यूनानी, ग्रीक, और फिर लास्ट में जाके हमारे सामने अंग्रेजी भाषा के रूप में आती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साइकोलॉजी शब्द कौन सी भाषा का है? तो साइकोलॉजी शब्द वैसे तो लैटिन भाषा का होता है, लेकिन इसका हमारे पास कोई विवरण नहीं है, तो हम केवल ऑथेंटिक चीज़ों को ही पढ़ेंगे। तो साइकोलॉजी शब्द जो है वो हमारे पास यूनानी व ग्रीक भाषा का है, यूनानी व ग्रीक भाषा का शब्द है। तो साइकोलॉजी शब्द यूनानी व ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, और वो दो शब्द जो है, एक तो है साइकी और एक है लोगोस। साइकी और लोगोस। तो साइकोलॉजी जो है वो यूनानी व ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगोस। यहाँ से डिवाइड कर लो, इस की जगह आपको ओ की जगह ई करना है और लोजी की जगह लोगोस करना है। तो यूनानी भाषा के दो शब्द है साइकी, और साइकी का अर्थ होता है आत्मा, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। तो साइकी प्लस लोगस, लोगोस यानी आत्मा का अध्ययन, यानी मनोविज्ञान को हम क्या कह सकते हैं? आत्मा का अध्ययन। यानी मनोविज्ञान का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन, ठीक है? जो मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है क्या? साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या है? साइकी प्लस लोगस, आत्मा का अध्ययन।
यानी मनुष्य जब अपनी आत्मा का अध्ययन करता है तो वह विज्ञान के मनोविज्ञान की शाखा के अंतर्गत उसका अध्ययन करता है। ठीक है, अब अगर आपको से ये पूछा जाए कि ये बताने वाला कौन था तो हम उसके बारे में भी चर्चा करते हैं, बिल्कुल नई बात है हमारे लिए। तो साइकोलॉजी शब्द यूनानी व ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ये चीज बताने वाला जो था, ये चीज बताने वाला वो था गेरेट महोदय। गेरेट ये साइंटिस्ट जो जिन्होंने मनोविज्ञान पढ़ी है उन्होंने गेरेट महोदय के बारे में पढ़ा है, बहुत सारी परिभाषाएं इन्होंने दी है, बहुत सारे टॉपिक के अंदर इन्होंने अपने अपने उल्लेख किए हैं। तो साइकोलॉजी शब्द यूनानी व ग्रीक भाषा से मिलकर बना है, लोगोस और साइकोस साइकी प्लस लोगोस शब्द से बना है। ये चीज बताने वाला जो साइंटिस्ट थे, जो मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम है गेरेट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दो तीन चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई, ये फर्स्ट रायबर्न जो आप शायद कभी आपने पढ़ी नहीं होगी, और दूसरी बात ये कि साइकोलॉजी शब्द यूनानी व ग्रीक भाषा से बना है, ये जो शब्द था वो दिया था हमारे गेरेट महोदय ने। ये दो चीज़ें मैंने आपको अभी तक नहीं बता दी, यानी अभी 5-10 बातों के अंदर दो बातें तो मैंने आपको बिल्कुल नई नई बताई है। आगे भी हम इसी तरह से स्टडी करते रहेंगे। अब हम आगे लेते हैं मनोविज्ञान का जो सामान्य परिचय है उसी के अंदर हम आगे लेते हैं कि इस तरह से हमने अध्ययन कर लिया कि मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वो दर्शन शास्त्र से हुई, और दर्शन शास्त्र के अंदर क्या किया जाता है, अमूर्त वस्तुओं को मूर्त वस्तुओं में बदला जाता है, यानी तर्क चिंतन और कल्पना के माध्यम से नई वस्तु की खोज करना ही क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है। और दर्शन से जुड़े जो विद्वान होते हैं उनको दार्शनिक कहा जाता है। और मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में ये ऐसा कहा गया, रायबर्न ने ये कहा कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से या मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अरस्तु के समय 4वीं सदी में अलग हुई थी। ठीक है, उसके बाद मनोविज्ञान शब्द किसने दिया, तो 1590 में रुडोल्फ गोयकले ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। साइकोलॉजी शब्द यूनानी व ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, साइकी और लोगस यानी आत्मा का अध्ययन, और आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाती है। और ये चीज़ बताने वाला जो महोदय थे वो हमारे पास गेरेट महोदय थे। आइए अब नेक्स्ट स्टडी करते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले अब यहाँ से हम वापस लेके चलेंगे। तो देखिए रायबर्न जो थे, रायबर्न ने क्या बताया कि मनोविज्ञान जो है वो दर्शन शास्त्र से किसके समय अलग हुई, अरस्तु के समय अलग हुई। चूंकि ये तीनों मनोवैज्ञानिक जो थे, ये तीनों जो दार्शनिक थे, इनका विकास क्रम ये है, प्लेटो गुरु थे, उनके शिष्य अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य सुकरात। तो अब हम एक नई स्टडी लेके चलते हैं। पहला पॉइंट, यदि हमसे ये पूछा जाए कि प्राचीन मनोविज्ञान और यदि हमसे ये पूछा जाए कि मनोविज्ञान, प्राचीन मनोविज्ञान या मनोविज्ञान या मनोविज्ञान का आदिजनक, मनोविज्ञान का आदिजनक, यदि हमसे ये पूछा जाए कि प्राचीन मनोविज्ञान और मनोविज्ञान का आदिजनक कौन था, तो अगर हमसे ये पूछा जाए तो हमें क्या करना है, मनोविज्ञान का आदिजनक कौन है, अरस्तु। तो ये एक नई चीज़ है कि प्राचीन मनोविज्ञान, मनोविज्ञान और मनोविज्ञान का आदिजनक कौन है। अगर तीनों प्रकार से अगर क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए तो आपका एक ही आंसर होगा, कौन, सुकरात। अच्छा सॉरी, इसका आंसर होगा अरस्तु। यदि आपसे पूछा जाए कि प्राचीन मनोविज्ञान, मनोविज्ञान और मनोविज्ञान का आदिजनक कौन है, तो आपका एक ही आंसर होगा, कौन, अरस्तु। अच्छा अब अरस्तु की हम बात करें तो ये तो हमने यहाँ से इसका संबंध बिठा लिया, लेकिन हमें ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि इसको कहा किसने। ठीक है, तो हम ये कहेंगे, अगर हमारा क्वेश्चन इस तरह से आ जाए तो हमारा आंसर अरस्तु होगा, लेकिन अगर यदि हमसे ये पूछा जाए कि अरस्तु को प्राचीन मनोविज्ञान, मनोविज्ञान और मनोविज्ञान का आदिजनक किसने कहा है, तो वो कहा है स्किनर ने। किसने कहा, स्किनर ने। और स्किनर जो थे वो मूल व्यवहारवादी थे, मूल व्यवहारवादी, यानी व्यवहारवाद तो वॉटसन ने दिया था, लेकिन मूल व्यवहारवादी जो थे वो स्किनर थे। शैक्षिक मनोविज्ञान थे, मनोवैज्ञानिक जो थे हमारे स्किनर एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, और उन्होंने ये कहा था कि मनोविज्ञान, प्राचीन मनोविज्ञान या मनोविज्ञान का जो आदिजनक है वो अरस्तु है। लेकिन अब एक साइंटिस्ट और आए, एक मनोवैज्ञानिक और उन्होंने ये कहा कि अरस्तु तो प्लेटो के शिष्य थे, इसलिए मनोविज्ञान का जो जनक हुआ वो कौन हुआ, प्लेटो हुआ। तो ये कहने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था कोलसनिक। तो अगर ये पूछा जाए कि मनोविज्ञान का जनक कौन था, अगर ये आंसर आ जाए कि मनोविज्ञान का जनक कौन थे, प्लेटो, तो मनोविज्ञान के जनक प्लेटो को भी माना जाता है, लेकिन कौन मानता है इसे, कोलसनिक।
अब चूंकि स्किनर जो था वो स्किनर एक बहुत बड़ा शैक्षिक मनोवैज्ञानिक था और मूल व्यवहारवादी था, बहुत मनोविज्ञान के ऊपर इसका बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव है, पूर्ण बलन की थ्योरी इसने दी, इसलिए इसकी परिभाषा को, इसके कहे हुए को ज़्यादातर तो महत्व दिया जाता है। तो मनोविज्ञान, प्राचीन मनोविज्ञान और मनोविज्ञान का आदिजनक जो थे वो अरस्तु को माना जाता है। लेकिन कोल्सनिक नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने यह कहा कि अरस्तु तो खुद किसका शिष्य था? प्लेटो का। इसलिए मनोविज्ञान का जो जनक है वो कौन है? प्लेटो है। तो ये किसने कहा था? कोल्सनिक ने कहा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं आधुनिक मनोविज्ञान की। इसीलिए हमने यहाँ लिया था प्राचीन मनोविज्ञान, यानी प्राचीन जो पुरानी मनोविज्ञान है उसका जनक कौन था? तो अरस्तु। यदि क्वेश्चन ये आ जाए कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक का क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर होगा फिर विलियम जेम्स, जो कहाँ के थे? हमारे अमेरिका के। अच्छा, ये कौन सी खिचड़ी है? तो इसके बारे में आप सुनिए। आप देखिए, जो प्राचीन मनोविज्ञान होते थे तो प्राचीन जो हमारे पास समय होता था उसके अंदर केवल थ्योरियाँ दे दी जाती थी। किसी आदमी ने मान लिया कि ऐसा होता है तो वो मान लिया जाता था। उस टाइम पे कोई प्रयोग या हम कह सकते हैं कोई तार्किक रूप से कोई बात नहीं होती थी, या कोई भी अगर वो अपनी थ्योरी या उदाहरण देते थे तो उनका कोई प्रायोगिक प्रमाण नहीं होता था। लेकिन जो आधुनिक समय है उस आधुनिक समय में नए नए प्रयोग किए जाने लगे, जो थ्योरियाँ दी जाती थी वो प्रयोगों द्वारा प्रमाणित होती थी। तो फिर ये जो हमारा समय है, यानी लगभग हम कह सकते हैं 19वीं सदी का जो हमारा समय है वो आया। ये हमारे पास चौथी सदी की बातें चल रही है। तो उसके लिए प्राचीन मनोविज्ञान का जनक अरस्तु था। लेकिन यदि ये पूछा जाए कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन था, तो आधुनिक मनोविज्ञान यानी लगभग 19वीं सदी के आसपास की, तो आधुनिक मनोविज्ञान का जो जनक था वो हमारे पास कौन था? विलियम जेम्स। ठीक है, तो विलियम जेम्स। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? अमेरिका से बिलोंग करते थे। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनके बारे में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हमें थी, कुछ चीज़ें हमारे सामने थी। अगर ये पूछा जाए कि जैसे प्लेटो, ये प्लेटो आया तो प्लेटो की पुस्तक थी, प्लेटो की पुस्तक का नाम पूछा जाए कभी, तो प्लेटो की एक पुस्तक थी, प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या था? द रिपब्लिक। क्या नाम था? द रिपब्लिक। अच्छा, जो बहुत सारे लोग जो राजनीति विज्ञान से अपना संबंध रखते हैं, तो वो चीज़ देखना ये कि प्लेटो, अरस्तु और सुकरात उन्होंने राजनीति में भी पढ़ा है। तो पढ़ेंगे प्लेटो, अरस्तु, सुकरात को राजनीति में भी पढ़ेंगे, मनोविज्ञान में भी पढ़ेंगे, सामाजिक में, पर्यावरण में, विज्ञान में, गणित में, सभी सब्जेक्टों में पढ़ा जाएगा। क्यों पढ़ा जाएगा? वो इसलिए पढ़ा जाएगा क्योंकि ये दर्शन शास्त्र से रिलेटेड है, और दर्शन शास्त्र जो होती है वो सभी विषयों की उत्पत्ति वहीं से हुई है। इसलिए जो दार्शनिक है ये हमारे पास तीनों, इन तीनों को सभी सब्जेक्टों के अंदर पढ़े जाते हैं क्योंकि इन्होंने सभी सब्जेक्टों में अपने अपने विचार दिए हैं। इसीलिए तो जो पीएचडी होती है वो पीएचडी होती है। कभी भी कभी आपने ये नहीं देखा कि एससीडी होती है, कभी आपने ये नहीं देखा कि एचडी होती है, हिंदी ऑफ डॉक्टरेट ऑफ हिंदी होती है, कभी आपने ये नहीं देखा कि डॉक्टरेट ऑफ साइंस होती है, ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा जो होती है पीएचडी यानी डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। तो ये चीज़ें होती है क्योंकि ये दर्शन शास्त्र से ही सभी सब्जेक्टों की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही। आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक था वो था मनोविज्ञान का सामान्य परिचय। कल वाले जो वीडियो है, अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसके बारे में, उसमें मनोविज्ञान से संबंधित जो अवधारणा है उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए हमारा इतना ही। ओके, थैंक यू।